दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तानी दिग्गजों ने आईपीएल को बता दिया घटिया लीग। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2023 को नजदीक आता देख पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने जहरीले बयान से अपनी जहरीली जबान खोली है। पाकिस्तानी दिग्गजों ने आईपीएल को दुनिया की सबसे खराब लीग बताया है, जिसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने बयान में आईपीएल के बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें कही हैं, जिसको सुनकर आपका भी खून पानी हो जाएगा। आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने आईपीएल को पीएसएल से खराब बताते हुए क्या बयान जारी किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल में से कौन बेहतरीन लीग है, कॉमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2023 के बाद बात की जाए, आईपीएल 2023 में एक बार फिर से 10 टीमें खेलते हुए नजर आएंगी और इस बार ढाई महीने की विंडो सामने है और इस बार आपको बता दें कि ये गजब का होम अवे फॉर्मेट से पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। लेकिन इस बीच 15 नवंबर को फ्रेंचाइजी के लिए बीसीसीआई ने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों का नाम देने की विंडो रखी थी, जो कि समाप्त हो गई है और नीलामी की डेट भी सभी के सामने पेश हो चुकी है, जहां 23 दिसंबर 2022 को कोची शहर में नीलामी होने वाली है और इस नीलामी से पहले दुनिया के तमाम खिलाड़ियों की निगाहें नीलामी पर होंगी और इस नीलामी की तैयारी में सभी फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई लग चुकी हैं। तो दूसरी तरफ व्यवधान डालने के लिए पाकिस्तानी दिग्गजों ने आईपीएल के बारे में बड़ी अपमानजनक बातें कही हैं और बयान जारी किया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपर लीग है, क्योंकि पाकिस्तानी सुपर लीग के अंदर सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि कौन सा खिलाड़ी आने वाले समय में दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग से बेहतर आईपीएल को बताया जाता है, लेकिन आईपीएल दुनिया की सबसे खराब लीग है, क्योंकि आईपीएल में सिर्फ पैसों की बर्बादी होती है और खिलाड़ियों का प्रदर्शन बिल्कुल 0% रहा है। इसके अलावा सलमान बट ने बयान देते हुए कहा है कि आईपीएल के अंदर खिलाड़ियों की काबिलियत का पता ही नहीं चलता है, सिर्फ खिलाड़ियों के फॉर्म को देखा जाता है, उसके अनुसार ही नीलामी में बोली लगाई जाती है, लेकिन पीएसएल उसकी काबिलियत पर ध्यान देता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए यह भी कहा कि पीएसएल में पैसों की बर्बादी नहीं होती है और ना ही खिलाड़ियों पर पैसा बरसाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ खिलाड़ी खेलने के उद्देश्य से आते हैं, ना कि माला माल होने के लिए। बल्कि दूसरी तरफ आईपीएल में तो बिल्कुल उल्टी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए आईपीएल एक बेहद जरूरी टूर्नामेंट है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आईपीएल टूर्नामेंट दुनिया के सबसे मुश्किल लीग मानी जाती है, परंतु सिर्फ आईपीएल को ही हम मुश्किल टूर्नामेंट नहीं कह सकते हैं, पूरी दुनिया में पीएसएल और बीबीएल भी खतरनाक टूर्नामेंट हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पीएसएल और बीबीएल में पैसों की बारिश नहीं होती है, इस वजह से इसका प्रचार कम रहता है, लेकिन आईपीएल में पैसों की बारिश होती है और खिलाड़ियों पर पैसा बरसाया जाता है, जिसके लालच में खिलाड़ी आईपीएल में जाते हैं और लेकिन आईपीएल में काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और सिर्फ फॉर्म को देखा जाता है, बल्कि पीएसएल में सब चीजें देखी जाती हैं और इसी वजह से आईपीएल दुनिया की सबसे घटिया लीग है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि आईपीएल और पीएसएल में कौन सी लीग सबसे खतरनाक है और सबसे अच्छी है, कॉमेंट करके बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।